गणपत बजाते रहना यार। तो है गाइस, क्लूमेस इज बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। तो गाइस फाइनली पबजी जो है एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन करने जा रहा है। एक मूवी आने वाली है 83 करके, जो क्रिकेट के ऊपर एक मूवी है। तो उस मूवी के साथ पबजी ने किया है कोलैबोरेशन और उसके जो कुछ लीक्स है वो हमारे पास आए हैं। और भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल है, मतलब लीक्स के अंदर। तो जो कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, सीज़न 12 का जो ट्रेलर है उसमें मैं कुछ एडिट किया था, मतलब उसका जो मेन साउंड था वो निकाल दिया और उसमें पबजी का साउंड लगा दिया जो गाना था। तो वो कैसा लगा वो एक बार कमेंट करके बताना। और भाई वैसे तो लीक्स के वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार बना रहा हूँ कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करके। तो एक बार ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटफिट्स के बारे में, जो आउटफिट्स हमें जो अपकमिंग लीक्स के अंदर मिलने वाले हैं, मतलब जो लीक्स हमारे हाथ में लगी है उसमें कौन से आउटफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो रंगी बिरंगी आउटफिट दिख रहा है आपको, ये सीजन 12 के रॉयल पास के अंदर ही आने वाला है। क्योंकि भाई हम सभी को पता है जितनी भी रंगी बिरंगी चीज़ें हैं अभी सीजन 12 का जो रॉयल पास आने वाला है उसके अंदर है। और ये वाला जो आउटफिट है ये भी उसी के अंदर आएगा। आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो जो बीच में बंदा था गोल्डन कलर का आउटफिट, और भाई ये आउटफिट मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा क्योंकि इसमें पूरा सेट मिलने वाला है हमें। हेलमेट की स्किन, बैक की स्किन, पूरे की पूरा मतलब पूरा मैचिंग सेट है। इसके जूते भी आप देख सकते, और आपको हेलमेट की और बैक की स्किन भी मैं दिखाऊंगा कितनी तगड़ी है इस सेट के ऊपर, जो कि मैच करती है। उसी के साथ साथ गाइज ये काफ़ी ज़्यादा फनी सेट मेरे को लगा, और जहाँ तक कि मुझे लगता है ये हमें किसी ना किसी क्रिएट्स के अंदर देखने को मिलेगा। क्लासिक या फिर प्रीमियम को छोड़ के जो न्यू क्रिएट्स पबजी लाता है उसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर का जो टोपा टोपी जो होता है वो भी से आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को आउटफिट। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताया था कि 83 वाली मूवी का कोलैबोरेशन, तो उसी के बेस के ऊपर ये क्रिकेट वाला जो आउटफिट आप देख रहे हो 83 वाला, ये हमें पबजी के अंदर देखने को मिलेगा मार्च महीने में जब मूवी रिलीज़ होने वाली। तो मूवीज़ रिलीज़ के टाइम या फिर मूवी रिलीज़ के बाद हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। ये वाइट वाला जो आउटफिट इंडियन क्रिकेट टीम का था, और ग्रीन वाला आई डोंट नो कि किसका था, लेकिन भाई ये तो इंडियन क्रिकेट टीम का ही था वाइट वाला। और आउटफिट भी काफ़ी बढ़िया है, और इस आउटफिट के साथ हमें ऊपर का जो क्रिकेट वाला हेलमेट होता है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें दिक्कत एक ही है कि अगर आप जब रियल वाला हेलमेट उठाते हो पबजी के अंदर तो वो जो स्किन वाला हेलमेट है वो हट जाता है। तो ये वाला जो आउटफिट है ये बहुत मस्त लगेगा अगर ये फीमेल कैरेक्टर के अंदर हम पहने। मेल कैरेक्टर के अंदर ये आउटफिट बिल्कुल घटिया लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है किसी बंदे ने बंदी का कपड़े पहन के फोटो खिंचाया हो। तो जो भी हो, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो आउटफिट है, ये आउटफिट हमें क्लासिक या फिर प्रीमियम क्रिएट्स के अंदर देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ये आउटफिट मुझे लग रहा है। सभी आउटफिट्स में से कौन सा वाला आउटफिट आपका सबसे फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो भाई वो जो गोल्डन वाला आउटफिट था वो सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि भाई उसका हमें पूरा का पूरा सेट मिलने वाला है। तो ये सारे आउटफिट्स जो कि आने वाले हैं मार्च महीने तक, और रॉयल पास के अंदर भी कुछ आने वाले हैं, तो सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो भाई बात करते हैं हेलमेट की और बाकी जो चीज़ें। अब ये हेलमेट तो नहीं है, लेकिन जो केले वाला आउटफिट मैं आपको दिखाया था, तो उस केले का ये टोपा है जिसके पीछे से भाई एक गॉगल लगा है, मतलब काफ़ी बेहतरीन लगता है। अगर ये मुझे मिल जाए तो भाई मतलब हम तो भाई 3-4 हज़ार इसी फूकने के लिए भी तैयार है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन भाई एक ही दिक्कत है, जब आपको पबजी में हेलमेट मिलेगा तो ये चीज़ गायब हो जाएगी, तो किसी काम की नहीं है। तो ये वाली जैसे मैं आपको बोला था कि क्रिकेट का जो क्रिकेट बेस्ड थीम आने वाली पूरी, तो उस थीम के ऊपर ये जो हेलमेट है, ये हेलमेट नहीं है बेसिकली, आपको हेलमेट जैसे लग रहा है, लेकिन जो मैं अभी आपको केले का टोपा दिखाया उसी तरह से ये चीज़ है, मास्क टाइप बोल सकते हैं अपन इसे। लेकिन जब आप हेलमेट पहनोगे रियल वाला पबजी के अंदर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो ये जो चीज़ है ये हट जाती है। इससे अच्छा अगर पबजी वाले अगर इसे हेलमेट की स्किन बना के भेजते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर वाला, एक नीले कलर वाला, इसी के साथ साथ एक व्हाइट कलर वाला भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लेवल हेलमेट, सेकंड लेवल हेलमेट, थर्ड लेवल हेलमेट,
तो ये जो गोल्डन वाले हेलमेट में आपको बोला था कि हमें पूरा के पूरा सेट मिलने वाला है गोल्डन वाले आउटफिट का, तो उस आउटफिट के ऊपर ये वाला हेलमेट जो है मैच करता है भाई, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। मतलब हेलमेट और आउटफिट जब मैच करेंगे, उसी के साथ साथ भाई आप ये टोमेटो वाले भी देख सकते हैं, काफ़ी क्यूट लगता है। थर्ड लेवल वाला देखिए, टोमेटो वाला काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसका आउटफिट तो अभी तक आया नहीं है, पर भाई यहाँ पर अब क्रिकेट बेस्ड थीम आने वाली है, और उस थीम के अंदर बैट बॉल ना हो तो भाई क्रिकेट बेस क्या हो गया ना। तो यहाँ पर बॉल की जगह पे इन्होंने ग्रेनेड स्किन को पूरा बॉल बना दिया। मतलब क्या ही दिमाग लगाया भाई पबजी वालों ने। इमेजिन करो ये स्किन किसी के पास है और बंदा वो फेंक रहा है ग्रेनेड, ऐसे लगेगा कि भाई बंदा बॉलिंग कर रहा है। उसी के साथ साथ भाई बैट भी देखने को मिलने वाली है, वो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। तो ग्रेनेड की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है, और इसमें अगर कुछ इफेक्ट आ जाए तो भाई और भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर आप ये बैट देख सकते हैं भाई, मतलब क्या ही दिमाग लगा है। जो क्रोबार होता है उस क्रोबार को इन्होंने बैट बना दिया है। तो मतलब इमेजिन करो सामने एक बंदे के हाथ में ग्रेनेड की स्किन है वो बॉल वाली, और उसके सामने एक एनिमी है जिसके हाथ में एक क्रोबार है और क्रोबार में स्किन लगी है ये बैट वाली। तो भाई मतलब क्या ही सीन लगेगा, बैट बॉल खेल रहे हो पबजी में, कतई मज़ा आएगा। और गाइस जैसे कि मैं आपको बोला था कि यहाँ पर हमें तीन बैकपैक की स्किन, मतलब एक ही बैकपैक की स्किन जो कि गोल्डन कलर की मैच करती है इस आउटफिट से, देखने को मिलने वाली। तो ये रही, आपको क्या चीज़ सबसे बेहतर लगी, सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और ये वाली जो स्किन है ये कन्फर्म नहीं है ग्लोबल में आएगी कि नहीं आएगी, ये कोरियन में कन्फर्म हो चुकी है लेकिन ग्लोबल में आएगी कि नहीं वो कन्फर्म नहीं है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए और भी इसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।